काजल अग्रवाल की वजह से आचार्य के मेकर्स को हुआ भारी नुकसान। आखिर काजल को इस फिल्म से क्यों निकाला गया, कितने करोड़ का नुकसान हुआ है फिल्म के डायरेक्टर को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिक ब्रांड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, साउथ फिल्म एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इन दिनों अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही है। इस बीच एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक एक्ट्रेस की वजह से आचार्य के मेकर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म आचार्य के फ्लॉप होने की वजह से चिरंजीवी और रामचरण स्टारर डायरेक्टर कोटाला शिवा पर भारी प्रेशर आ गया है। फिल्म डायरेक्टर कोटाला शिवा पर एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें नुकसान की भरपाई का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में डायरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान है और फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। इस फिल्म में चिरंजीवी, रामचरण और पूजा हेगड़े भी हैं। फिल्म में काजल अग्रवाल को कास्ट किया गया था, जो मेगा स्टार चिरंजीवी के ऑपोजिट थी। काजल अग्रवाल ने गौतम किचलू से हाल ही में शादी की और शूटिंग उसके बाद शुरू की थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, बाद में उनके कैरेक्टर को ही मेकर्स ने फिल्म से हटा दिया। उस वक्त कहा गया कि फिल्म में काजल का जो कैरेक्टर है वो स्क्रिप्ट में उतना मजबूत नहीं है और इसीलिए उन्हें रामचरण और चिरंजीवी के कैरेक्टर पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद एक्ट्रेस के शूट किए हिस्से को भी हटाना पड़ा, जिसकी वजह से आचार्य को शूटिंग और एडिटिंग टेबल में हुई काट छांट की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। काजल अग्रवाल के हिस्से को हटाने की वजह से आचार्य को 7.5 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। अब इन सभी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है डायरेक्टर कोटाला शिवा को, जिसकी वजह से फिल्म के स्टेक होल्डर्स पर उन पर नुकसान की भरपाई का प्रेशर है। अब देखना होगा कैसे डायरेक्टर इस मुसीबत से उभरते हैं और फाइनली आचार्य रिलीज होती है। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मौलिक ब्रांड स्टूडियोज़ को।